तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, बस अभी मेरा खाना रेडी हो गया है, तो अभी दोपहर का टाइम है, अब हम खाना खाते हैं। तो आप देखें हम लोग कैसे खाना खाते हैं। इधर बैठो ना, आगे साथ बैठो। बच्चों ने भी अपनी मनमानी करनी होती है हर दफा, वो कहाँ से आराम से बैठ के खाते हैं। तो आप देख लें किस तरह से रियान ने भी सारा मुंह पे लगाया हुआ है और खा भी रहा है। तो मस्ती हमारी ऐसी चलती रहती है। तो फिलहाल अभी मैं खाना खाती हूँ, आपसे बाकी बातें थोड़ी सी बाद में करते हैं, ठीक है। माशाल्लाह मरकस खुशबू इवें आंदी पी है कि हाँ सड़े दी वेंदी है, मेरे को भूखी ढेर लगी बैठी है। वैसे त्रै ठीक है, और तो मजे की गल दसा, अजे तक मैं नाश्ता ही क्या नहीं किया, चाह ही क्या नहीं पीती, बस वधी हाँ मैं सभी सवेर दी। मैं तुहाडे नाल वाला गल ही करनी है, हंसे हंसा कि अज क्या वीडियो शेयर करूँ, कि देखने सारे जो जनाब हैं इन्हें कुछ चंगा लगे। ये देखो बाले को बच्चो, रियान क्या करता रहता है सारा दिन, रियान मम्मा को तंग कर रहा है। चावल अच्छी है रानो, मजा आ रहा है? अरशमान आपको मजा आता है? नहीं। क्यों? चावल तो देखो कैसे गंदे बनाए हैं। गंदे हैं? खुशबू भी नहीं आ रही, खुशबू नहीं आ रही, उसकी तबीयत खराब है, इसको जो है ना इसका नाक बंद है, बुखार है, इसको पता नहीं चल रहा ये क्या बोल रहा है, ठीक है ना अरशमान? मैं बोल रहा हूँ अच्छा नहीं है, गंदा है। ये पापा का बेटा है, मेरा है ही नहीं। फिर अच्छा अच्छा और बातें नहीं करो, ये बताओ पेपर कैसा हुआ तेरा? अच्छा हुआ था। टू की टेबल सुनाई थी, कल किस चीज का फिर है? काउंटिंग का रिटर्न है आज। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हंसता रहे, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें आबाद रहें। मेरी दुआ है आप सब खुश हो शाद रहें। तो जी प्यारे व्यूअर्स, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो वेलकम हो गया जी आपको मेरे यूट्यूब चैनल वैश्नाज ऑफिशियल। तो सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप देख सकें। जी तो प्यारे व्यूअर्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैंने अपने टाइटल में लिखा कि आज फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी मैं बहुत खुश हूँ, और बहुत ही खुशी के साथ आज मैं अपना जो ये यूट्यूब का मैंने जो चैनल बनाया था, पहले मेरा ख़ास इरादा नहीं था इस पर काम करने का, तो मैं डर डर के काम कर रही थी कि कहीं पता नहीं कुछ मसला मसाइल ना हो, तो मैं पूरी श्योर नहीं थी कि मैं इस पर काम करूँ या ना करूँ। और सबसे बड़ी बात होती है सपोर्ट, और सपोर्ट मेरे पास थी, मेरी फैमिली की सपोर्ट थी, हस्बैंड की सपोर्ट थी, और फिर भी मेरे दिल में एक डर और खौफ सा लगा रहता था कि पता नहीं मैं कामयाब हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, करूँ या ना करूँ, लोग क्या कहेंगे, फिलहाल क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। तो मैंने फाइनली अपना जो है ना डिसीजन ले लिया है, और यूँ समझे कि जो सपोर्ट मुझे मिलने की उम्मीद थी जिससे, वो अब फाइनली मुझे मिल रही है। अब इस सपोर्ट के बिना मैं नहीं चल पा, तो मेरे दिल की जो सारी वो बातें थी अब जो है ना फाइनली क्लियर हो गई हैं। अब मैंने एक माइंड बना लिया है कि अब जो है ना मैंने अपना काम करना है, बस जो भी हो जाए इस चैनल को आगे लेके जाना है। जो मेरे प्यारे बहन भाई मेरे चैनल पर आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उन सबका बहुत सारा शुक्रिया, और जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों ने मेरे लिए किए हैं, मेरी हौसला अफजाई होती है। इसी तरह आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती। तो अभी बाज़ार भी जाना है, थोड़ा बहुत सामान लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, फिर आगे जो है ना हस्बैंड आने वाले हैं तो बाद में शॉपिंग होगी। अभी फ़िलहाल बाज़ार चलते हैं, और बाज़ार का व्यू अभी मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल कैमरा मैन नहीं है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो हस्बैंड के साथ फिर बाहर जाके वीडियो बनाया करूँगी। तो फिलहाल रियान चलना है आपने मेरे साथ, चले बाज़ार? तो रियान चलता है बाहर, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप निकली हुई है, तो धूप में इंजॉय करते हैं। जी तो प्यारे व्यूअर्स, बस मैं रेडी हो गई हूँ, अब बाइक वाले का वेट कर रही हूँ, वो जल्दी से आ जाए ताकि फिर मैं जो है ना बाज़ार जाऊँ और राशन भी लेके आऊँ, थोड़े से फ्रूट्स भी लेके आने हैं, तो वापस आके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या लेकर आए थे बाज़ार से। देखो जी तो प्यारे बहन भाइयों, ये देखे जी कितना प्यारे लग रहे हैं ना, पीछे से फूल भी और मैं भी। तो देख के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम लोग कैसे लग रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखे नज़ारा भी मेरे साथ बड़ा प्यारा है,
सोच रही। तो प्यारे व्यूअर्स, हम लोग मार्केट जा रहे थे तो रास्ते में मुझे ये प्यारा सा खेत नज़र आ गया। मैंने सोचा यहाँ पे रुक के थोड़ा सा एंजॉय किया जाए मौसम को। तो आज मौसम कैसा भी क्यों नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ, इसलिए मुझे सारी चीज़ें खुशी खुशी लग रही हैं। जो है ना, जब इंसान अंदर से खुश होता है, दिमाग खुश होता है, तो दिल भी खुश होता है, और उसको हर चीज़ आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी अच्छी लगने लग जाती हैं। तो मैं जो है ना, काफ़ी दिनों के बाद आज रिलैक्स फील कर रही हूँ, और इसका सारा क्रेडिट जो है ना एक शख्स को जाता है, या जो चीज़ है जिसने मुझे खुशी दी है। बस हाँ, मैं मैं तो कुछ है ना, मैं डर लगता है कमजोर है, मैं कोई नहीं बड़े ना बता दे जी। तो प्यारे व्यूअर्स, अभी मैं बाजार से वापस आ गई हूँ, तो ये सारा सामान आज हम लेकर आए हैं। तो देखें, हम लोग मार्केट भी गए थे, उसके बाद राशन वाली दुकान पे भी गई हूँ। इतनी महंगाई हो गई है आजकल, तो समझ ही नहीं आता कि बंदा क्या लेने जाए। लेने तो मैं बहुत सारी चीजें गई थी, लेकिन जितने पैसे लेके गई हूँ उनमें तो ये सामान ही आया है बस। और अब क्या करें, आजकल जो हमारी हुकूमत ने हमारे ऊपर महंगाई का तूफान डाल दिया है ना, अब हम लोग सारे उस तूफान के नीचे दबते जा रहे हैं। पता नहीं ये महंगाई कब खत्म होगी, और गरीब बेचारे क्या करेंगे, क्या खाएंगे। फिर भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हमारे हस्बैंड की अच्छी जॉब है, अच्छा खा पी रहे हैं, अल्लाह ताला का फिर भी शुक्र अदा करते हैं। लेकिन गरीबों के लिए बहुत ज्यादा दुख होता है, वो बेचारे अब किस तरह से मैनेज करेंगे, अल्लाह ताला उनका भली वारिस है। तो ये देखिए जी, राशन लिया है हमने, थोड़ा सा लेना था, लेकिन बस मैंने तो आज भी लेना है, 10 तारीख के बाद भी लेना है, उससे बेहतर है लेती जाऊँगी जितना जरूरत का है। फिलहाल तो चीनी ली है, चावल है, और साथ ही छोटी मोटी चीज़ें भी थी, ग्रीस भी था, ये स्पाइसेस वगैरह हैं, बस ये सारा सामान हम लेकर आए हैं। और सब्जी क्योंकि मैं ताज़ी फ्रेश लेती हूँ, ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं, अभी गई हुए थे अड्डे पे, तो हमने सोचा चलो एक दिन की सब्जी लेते जाएं। फिर रोज़ तो सब्जी वाला यहाँ पर आता है, तो जब दरवाजे पे सब्जी मिल जाती है तो एक साथ स्टोर करने की क्या ज़रूरत रहता है, इसीलिए बस ताज़ी की ताज़ी लेते हैं। मटर वगैरह भी लिए हैं, और फ्रूट्स में बस ये ही लेकर आई हूँ। ये देखिए जी, बेर आए हुए थे, अभी साल इस साल हम लोग अभी पहली दफ़ा खा रही हूँ, पहले हमने नहीं यूज़ किया, और उसके साथ टमाटर लिए हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। तो जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और बस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। मैं ये अब सामान समेटूंगी, आप लोगों से इजाजत लेती हूँ, कल इंशाल्लाह मज़ीद एक अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। फिलहाल आपसे जाते जाते भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, साथ ही प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और आगे और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो जी व्यूअर्स, अपनी प्यारी बहन मेरे साथ ऑफिशियल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो।